नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। रवींद्र जडेजा ने क्या गजब का जवाब दिया है संजय मांजरेकर को, और उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। मोहम्मद कैफ तक ने कह दिया है कि रवींद्र जडेजा बहुत ही अंडर रेटेड प्लेयर हैं और उस जैसा खिलाड़ी हर टीम में होना चाहिए। तो कह सकते हैं आज के प्रदर्शन से जडेजा पर अक्सर सवाल उठाने वाले संजय मांजरेकर को एक बार फिर से जवाब दिया है, और बड़ा ही करारा जवाब दिया है रवींद्र जडेजा ने। कह सकते हैं कि संजय मांजरेकर को मुंह तोड़ जवाब दिया है एकदम, क्योंकि वो लगातार संजय मांजरेकर जो है रवींद्र जडेजा पर निशाना साधते आए भी हैं। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद हो गया था, फिर कमेंट्री पैनल से हटा दिए गए थे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे हैं, वापस आए हैं। तो फिर एक बार उन्होंने ऐसा ही एक विवादित बयान दे दिया था और कहा था कि भाई रवींद्र जडेजा जैसे प्लेयर मेरी टीम में होंगे ही नहीं। मतलब वो ये कह रहे थे कि क्यों इनको आप खिला रहे हैं, लेकिन फिर जडेजा ने बता दिया कि क्यों टीम इंडिया को जडेजा जैसे ही प्लेयरों की जरूरत है, जब बड़े बड़े नामी शेयर जो हैं वो ढेर हो जाएं, तब रवींद्र जडेजा जैसे अंडररेटेड प्लेयर अपनी गेंदबाजी, अपनी बल्लेबाजी, अपनी फील्डिंग, ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को मैच जिताएं। तो रवींद्र जडेजा के लिए ये कहा जा सकता है कि हाँ वो अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं। मोहम्मद कैफ ने भी इस बात को दोहराया है और कहा है कि रवींद्र जडेजा जैसे प्लेयर बहुत ही कम होते हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, और वो चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, उसमें खेलना डिजर्व करते हैं। लेकिन उन पर जिस तरीके से निशाना साधते आए हैं कुछ लोग, वो ठीक नहीं है। कैफ ने माना कि हाँ जितनी बात, जितना जिक्र बाकी खिलाड़ियों का होता है, जडेजा का नहीं होता है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। तो आप क्या कैफ की बात से सहमत हैं, बताइएगा ज़रूर। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।